स्पोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल में बुधवार 14 सितंबर से हिंदी दिवस समारोह का हर्षोल्लास पूर्वक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संस्थान के कार्यालय अध्यक्ष उप महानिरीक्षक APS निम्बानिया अन्य पदाधिकारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से मीनू खरे निदेशक ऑल इंडिया रेडियो उत्तर प्रदेश व स्नेहलता रचनाकार सम्मिलित हुई। दोनों अतिथियों ने हिंदी दिवस पर विचार व्यक्त करते हुए हिंदी भाषा का देश की उन्नति एकता और विकास में महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। स्नेहलता ने APS निम्बानिया व उप महानिरीक्षक स्पोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अपनी पूर्ण निष्ठा से देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ देश की नागरिकों की भी सेवा कर रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा में बल के पदाधिकारी जनमानस की सेवा में तत्पर रहते हैं। उन्होंने अपनी काव्य रचना से समारोह में मानव नई चेतना का संचार कर दिया। हिंदी दिवस के अवसर पर संस्थान के कार्यालय अध्यक्ष APS निम्बानिया ने भी हिंदी भाषा को देविक दैहिक तप हरने वाली भाषा बताया। हिंदी भाषा का शारीरिक और मानसिक प्रभाव की व्याख्या की और हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की सविस्तार चर्चा करते हुए समस्त पदाधिकारियों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। संस्थान में बड़ी ही उत्साह के साथ हिंदी पखवाड़ा दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के समस्त पदाधिकारियों ने अपना हर संभव कार्य हिंदी में करने का संकल्प लिया। संस्थान में महत्वपूर्ण स्थानों पर हिंदी भाषा से जुड़े महान व्यक्तियों के विचार संबंधी बैनर लगाए गए। हिंदी के रंगों की अनुपम छटा में मानव संस्थान को सराबोर कर दिया। भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों को अभी भी प्रयास करना पड़ रहा है। एक दूसरे को हिंदी दिवस की बधाइयां देनी पड़ रही है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलना चाहूंगी सबसे पहले सन 1899 में, जबकि भारतीय संस्कृति के प्रगल्भ पुरुष स्वामी विवेकानंद जी लॉस एंजलिस में जाते हैं और वहाँ पर तमाम अमेरिकी भाई बहनों से उनका वार्तालाप होता है। किसी एक अमेरिकी ने उनसे कहा, उसको लगा, उसने ऐसे पूछा स्वामी विवेकानंद जी से, हाउ आर यू।